सादर प्रणाम, मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हमें जो कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू कर रहे थे हम, क्योंकि हम पढ़ रहे थे इवोल्यूशन को और थियरी ऑफ इवोल्यूशन को हम पढ़ रहे थे, और जिसमें हमने शुरू किया था डार्विन को, लैमार्क को हमने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जो यहां पर आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विनिज्म। लास्ट सेशन में यानी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डार्विन के बारे में, और जो ये डार्विनवाद आया था, डार्विनिज्म आया था, उस डार्विनिज्म की एक बैकग्राउंड को पढ़ा था और कुछ ऐसे फैक्ट्स पढ़े थे जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। तो आज जो हम लेने वाले हैं वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विनिज्म, यानी कि डार्विनवाद की व्याख्या के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, जब भी इवोल्यूशन की बात होगी या थ्योरीज, ऐसी थ्योरीज के बारे में बात होगी जो इवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो डार्विन का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से लिया जाता है। यानी कि इस थ्योरी में रोल जो प्ले करता है डार्विन, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पर जो डार्विन के द्वारा सिद्धांत दिया गया था, एक्चुअली उनका जो सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था, यानी कि जो डार्विन के अपने जो विचार थे उनको एक ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ठीक है, या ये कहे कि जो उनके ऑब्जर्वेशन रहे उसी रूप में उन्होंने अपने विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत किया, मीन्स एक ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो उनके विचार ये थे, इनको हम अलग अलग अगर बिंदुओं में बांटे तो हम इनको 6 बिंदुओं में बांटकर देख सकते हैं, जिसके आधार पर हमें डार्विनिज्म को समझने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले तो उनका जो पॉइंट लेंगे हम, वो लेंगे इनऑर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी क्या, हिंदी में बात करें इसको, क्योंकि हमारे दोनों तरीके के लोग हैं देखने वाले इसको, तो अगर हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में इसे कहा जाता है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवों की संतान या जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं, जब हमने शुरू किया था तो हम जानते हैं कि हर जीव में एक ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो अपने जैसी ही संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, यानी कि वो अपने ही जैसी संतति उत्पन्न कर पाता है, और ये चीज क्या कही जाती है, रिप्रोडक्शन कही जाती है। दूसरा बिंदु जो इसका है, वो दूसरा बिंदु यहां पर ये रहेगा कि लगातार स्पीशीज में स्ट्रगल होता रहता है, यानी कि स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस, यानी कि जीवन संघर्ष, जिसे हिंदी में जीवन संघर्ष भी कई तरीके का होता है। यहां पर अभी पॉइंट्स को डिटेल करेंगे तो उन जीवन संघर्ष के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार का जीवन संघर्ष है। तो तीसरा बिंदु जो इससे रिलेटेड है, जो इसमें उनके प्रेक्षण दिए गए, ऑब्जर्वेशन दिए गए और उसके आधार पर उसको उन्होंने समझाया, तो यहां था विभिन्नताएं और आनुवंशिकी। हम विभिन्नताओं और आनुवंशिकी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहां पर जो उनके बारे में बताया गया था वो था वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ठीक है, वेरिएशन एंड हेरिडिटी, क्लियर। यानी कि विभिन्नताएं भी हैं, आनुवंशिकता भी है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, विभिन्नता व आनुवंशिकी, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं इसको आनुवंशिकी, क्लियर हो गया। अगली बात यहां पर करें, जो चौथा बिंदु, क्योंकि 6 बिंदुओं में बांटना है, तो चौथा बिंदु है योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कल भी इसको डिस्कस किया था, योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, क्लियर, पढ़ेंगे इसको क्या है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। हालांकि लास्ट वीडियो में एक बड़े अच्छे उदाहरण से उसे समझने की कोशिश की थी कि शेर भी भाग रहा है और हिरन भी भाग रहा है और कौन जीतेगा,
जो अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जितनी तेज दौड़ पाएगा। अब दोनों में से कौन तेज दौड़ता है? शेर को प्राणों की रक्षा करनी है क्योंकि हिरण को खाके उसे अपनी भूख मिटानी है, हिरण को अपने प्राणों की रक्षा करनी है क्योंकि उसे शेर का खाना बनने से बचना था। तो उसे एक्सप्लेन किया था, आप चाहें तो लास्ट वीडियो का इसमें सजेस्टेड वीडियो में लिंक रहेगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। अगला है यहाँ पर कि जैसे जैसे वातावरण चेंज होता चला जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट में चेंज होता चला जाता है, तो वैसे वैसे वहां पर क्या होता है, अडेप्टेशन होना शुरू हो जाता है। तो अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंटल चेंज, ठीक है, इन्वायरमेंटल चेंज, क्लियर। नेक्स्ट ये हुआ, यानी कि अनुकूलन है वातावरण के प्रति। और नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जिनके ऑब्जर्वेशन के, यानी कि नई जातियों की जो उत्पत्ति हुई, जिनके बेस पर यहां पर हम पढ़ेंगे कि जो डार्विनवाद है वो क्या है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करें कि जो भी उनके ऑब्जर्वेशन थे वो कैसे रहे। इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ये तो हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म में क्या होती है, अपने जैसी ही संतान उत्पन्न करने की एक बहुत प्रचुर मात्रा में क्षमता होती है, यानी कि इतनी क्षमता होती है कि वो अपने जैसी ही संतान को उत्पन्न कर सके। तो इसी में देखिए, अगर एग्जांपल लें हम, कुछ उदाहरण ऐसे हैं, आप एक इमेजिनेशन करिएगा कि ये फंगस है, ठीक है, कवक जिसको कहा जाता है। कवक में ये टेंडेंसी होती है कि वो लगभग 65 करोड़ स्पोर्स बना सकता है। उदाहरण देखिएगा आप, आपको तब समझ में आएगी। तो ये कितना बना लेता है, लगभग 65 करोड़ स्पोर्स ये एक बार में डेवलप करता है। ऐसे ही मैराइन मसल्स की बात है, तो ये एक बार में लगभग 60 लाख अंडे देती है। अब ये एक बार में ना कहकर ये क्या होगा, प्रति वर्ष के संदर्भ में बात की जा रही है, ठीक है। तो जो ये 60 लाख के लगभग अंडों की बात की जा रही है, ये भी क्या है कि एक साल में लगभग सीपी, समुद्री सीपी जो होती है वो इतने अंडे देती है। अब आगे अगर और उदाहरण ले लें, ऐसे ही हम उदाहरण ले लें अगर एस्केरिस का, ठीक है, फीमेल एस्केरिस के उदाहरण ले, तो फीमेल एस्केरिस भी लगभग हर साल 2.7 करोड़ अंडे देती है, ठीक है, लगभग हर साल। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या है, अलग अलग तरीके से अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो जो भी प्लांट्स होते हैं, चाहे जो भी हम एनिमल की बात करें, उनमें ऐसा नहीं है कि जितने भी वहां पर स्पोर्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे फंगस की बात कर ली हमने, एनिमल्स की बात कर ली, तो ये जो यहाँ पर फंगस और ये एनिमल के कुछ उदाहरण है, इसका मतलब ये है कि अगर जितने, मान लीजिए 60 लाख ये अंडे यहाँ पर एक साल में दिए जा रहे हैं, अगर ये सारे अंडे जीवित रह जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर समुद्री सीपी पूरी पृथ्वी पर दिखाई देगी। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं, जैसे हम हाथी का उदाहरण ले ले, 30 से 90 ईयर्स की जो एज होती है, उस एज में लगभग ये 6 से 7 अपने जैसी संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अब अगर मान लीजिए, अगर जितने भी ये उदाहरण से और ये उदाहरण से ले लीजिए, माना, चलिए इसी के उदाहरण से पिक कर लेते हैं, मान लीजिए जो 6 से 7 बच्चे हाथी के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो अगर ये सारे के सारे यहाँ पर जीवित रहते हैं, तो एक आंकलन ये कहता है कि आफ्टर 75 ईयर्स लगभग एक हाथी के जोड़े से जो संतान उत्पन्न हो जाएंगी वो लगभग होंगी 2.25 करोड़, ठीक है, इतनी संतान उत्पन्न हो जाएंगी। तो अब आप ऐसी स्थिति में सोचिए, इसका मतलब पूरे उस पे क्या होते, हाथी ही हाथी दिखाई देते और हाथी ही हाथी उस पे होते। तब चीजें क्या हुई, बड़े उससे नियंत्रित रही, और वो नियंत्रण करने के लिए वो नेचुरली वहां पर क्या हुआ, उनके बारे में कंट्रोल हुआ। अब ये बात करते हैं कि इस बिंदु को इस माध्यम से समझ सकते हैं कि जो भी स्पीशीज हैं उनमें ऐसी क्या टेंडेंसी थी कि वो स्थिर रही। जाति स्थिर रहने के कई कारण रहे थे, जैसे क्या क्या कारण थे। पहला कारण तो ये है कि जैसे जितनी भी, हर जाति में एक संतुलन बना रहता है ये हम जानते हैं, जितनी भी जातियां जो अंडे देती हैं, सारे अंडे फर्टिलाइज, मतलब पूरे तरीके से डेवलप नहीं होते, यानी कि उनमें परिवर्तन नहीं होता, कुछ वो डेवलपमेंट से पहले ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं।
दूसरी स्थिति ऐसी थी कि जब वो एम्ब्रियो फॉर्म में आते हैं तो कई बार ऐसा होता है वो जो भ्रूण पोष है या जो वो भ्रूण है कई बार वो सूख जाता है या आगे प्रोसेस नहीं कर पाता है तो भी ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तीसरी स्थिति वो थी जब वो अपने वातावरण के साथ वो स्पोर कहे एग कहे वो क्या कर पाते हैं, सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं और जिस वजह से वो वहां पर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगली बात यहाँ पर क्या हो सकती है कि आपस में स्ट्रगल चल रही है, ठीक है, ये स्ट्रगल जो चल रही है इस स्ट्रगल की वजह से भी क्या हो जाते हैं, जीव आप मरते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटा जीव बड़े जीव का फूड बन जाता है, ठीक है, और हर जीव किसी ना किसी तरीके से दूसरे पे के फूड चेन का हिस्सा है। तो जब यहाँ पर ये फूड बन जाता है तो इस वजह से भी कुछ जातियां क्या हो जाती हैं, खो जाती हैं। तो ये ऐसे कारण हैं कि इनका ये इन कारणों का ये प्रभाव पड़ता है कि जितनी स्पीशीज हैं उन स्पीशीज में एक बैलेंस बना हुआ रहता है, ठीक है। दूसरा बिंदु ये था इससे संबंधित कि लगातार स्पीशीज में क्या होता है, जीवन संघर्ष होता रहता है। दूसरा बिंदु जो डार्विन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी उसको रखा था, टाइटल दिया था स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। हर किसी में अपनी लाइफ को बचाने के लिए या अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष जारी रहता है और ये संघर्ष कई रूपों में होता है। ये संघर्ष होता है अपनी सेफ्टी को लेकर, अपनी फूड रिक्वायरमेंट को लेकर, और यहाँ पर ऐसी सर्कमस्टेंसेस के लिए या ऐसे वातावरण के लिए जिसमें कि वो जीवित रह सके। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए लगातार आपस में स्पीशीज में या हर जीव जाति की कुछ जो संतानें होती हैं वो क्या करती रहती है, संघर्ष करती रहती हैं। क्यों ऐसा संघर्ष होता है, इस संघर्ष के होने के कई कारण हैं जिनमें से कुछ मुख्य कारणों पर ही फोकस हम करेंगे। जैसे मुख्य कारण क्या है कि हमारे पास जो फूड स्टोरेज है वो सीमित है, ठीक है, जो खाद्य भंडार है वो क्या है, सीमित मात्रा में ही स्टोर किया हुआ है और रहने के लिए जितना एरिया चाहिए वो एरिया भी क्या है, निश्चित है। ऐसा तो है नहीं कि जिस एक किलोमीटर के दायरे में मान लीजिए दो हाथी रह रहे हैं तो अगर 10 हाथी आ गए तो उसी अनुपात में वो एरिया बढ़ता चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अगर एक किलोमीटर का ही एरिया है तो उतने में ही उन 10 हाथियों को अपने रहने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। फिर जितना एरिया है सीमित है, जितने फूड स्टोर हैं वो भी सीमित है, और साथ ही उस वातावरण की जितनी सुविधाएं हैं वो भी सीमित है, और हर जीव ये इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहता है और जिस वजह से उनमें आपस में संघर्ष होता रहता है। तो इसीलिए इस संघर्ष को तीन तरीके से हम समझ सकते हैं। तीन तरीके से कैसे समझ सकते हैं, पहला संघर्ष हम इसे अगर टाइटल करेंगे तो पहला संघर्ष ये है इंट्रा स्पेसिफिक। क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल क्या हुआ, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हुआ कि हिंदी की भी लिख देती हूं यहां पर, अंतर जातीय संघर्ष, ठीक है, अंतर जातीय संघर्ष। अभी अंतर जातीय संघर्ष कैसा होता है, सबसे ज्यादा जो संघर्ष होता है ना वो यही वाला होता है, स्पीशीज के बीच में जितना स्ट्रगल होगा मेनली यही वाला होता है। रीजन क्या है कि एक ही जो स्पीशीज होती है उसमें मेटिंग के लिए अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए नए स्थान की खोज होती है या पार्टनर को ढूंढने की खोज होती है या जो फूड प्राप्त करना है उसके लिए खोज होती है। तो इन्हीं में आपस में चूंकि एक सी जातियां हैं, स्थान एक से हैं, मेटिंग के लिए इन्हें एक सा पार्टनर चाहिए, तो वहां पर इनमें क्या होता है, संघर्ष ज्यादा होता है। दूसरा क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, देखिए इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहे जाएंगे अंतर जातीय। अंतर जातीय यानी कि अन्य स्पीशीज के साथ जो यहां पर स्ट्रगल होता है उसे कहा जाता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। इसमें क्या होता है, अब अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग उनके मेंबर हैं, वायु में भी वही यूज करनी है, उन्हें वही सुरक्षा भी यूज करनी है, और यहां पर क्या होगा, जो अपने आप को उस वातावरण में रखने के लिए लगातार संघर्ष करेगा और उस संघर्ष में जीवित रहेगा वही क्या कहलाता है, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज के बीच में हो रहा है
तो वो क्या कहा जाएगा, मान लीजिए जैसे शेर और हिरण का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो अलग अलग स्पीशीज हैं, इनके बीच में संघर्ष जारी है, किसके लिए, खाने के लिए भी और जीवन के लिए भी। तो जब दो अलग अलग जातियों में होगा तो इंटर स्पेसिफिक कहा जाएगा। और तीसरा उसको डिवाइड किया गया है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल का मतलब ये है कि सर्दी है, गर्मी है, बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, तो अलग अलग क्या होती है, एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, चेंजेस होते चले जाते हैं। तो इन एनवायरमेंटल चेंजेस में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जीव आपस में संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। ठीक हो गया। तो ये तो था जब डार्विन ने समझाया अपना जो भी व्याख्या की, जो भी उसका पॉइंट था उस पॉइंट के बेस पर, कि जीवों में संघर्ष लगातार जारी रहता है और वो संघर्ष होता है जीवन के लिए। तीसरा बिंदु जो इससे संबंधित हम डिस्कस करेंगे, वो तीसरा बिंदु ये दिया था कि जो वेरिएशन है उन पर बेस्ड, वेरिएशन और आनुवंशिकी, यानी कि विभिन्नताएं और आनुवंशिकी कहेंगे, या वेरिएशन और हेरिडिटी जिसे कहेंगे। ठीक है, क्या लिख रही हूँ, वेरिएशन, TATIO। ठीक है, इसमें क्या होगा, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। ठीक, आप देखिए क्या होगा, डीटी, इनमें क्या होगा कि हम जानते हैं जैसे आपस में भाई बहन भी होते हैं, एक से नहीं होते, रंग रूप अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, पतला है, मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो आपस में एक माता पिता से उत्पन्न संतानें भी क्या होती हैं, इन सारी चीजों में अलग अलग होती हैं। और कई बार यही चीज क्या हो जाती है, ये क्या हुआ, अगर अलग अलग दिखाई दे रही है तो उसे क्या कहेंगे, वेरिएशन कहेंगे, विभिन्नता कहेंगे। लेकिन कई बार ये विभिन्नताएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि ये इनहेरिटेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाती हैं ऐसे कैरेक्टर्स में जो इनहेरिटेबल हैं। ठीक है, यानी कि जो वंशागत हैं और अगली पीढ़ी में जो पहुंच जाएंगे। तो जो वेरिएशन के कारण जो इनमें जीवों में जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष करने की क्षमता किसकी वजह से आती है, एक तो वेरिएशन की वजह से आती है, विभिन्नताओं की वजह से आती है, दूसरा संघर्ष करने में भी विभिन्नता होती है। ठीक है, अब खुद को वातावरण के अनुकूल बनाना है और उसके प्रति एक सामर्थ्य विकसित करनी है, तो किसी में ये सामर्थ्य ज्यादा होती है और किसी में ये सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो बदलते इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और कुछ के लिए वही इन्वायरमेंट कैसा हो जाता है, प्रतिकूल हो जाता है, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट हो जाता है जो उनके लिए कैसा होगा, नुकसानदायक हो जाएगा, मींस जिसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसे इन्वायरमेंट हैं जिसमें वो क्या करेंगे, अपने आप को अडेप्टिव कर लेंगे, और उस अडेप्टिव बिहेवियर की वजह से वो क्या करेंगे, उस वातावरण में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये जो अनुकूलन है, जिसमें ये अनुकूलन या अडेप्टेशन हो गया, वो तो यहाँ पर जीवित रहेगा, और जो अडेप्टेशन यहाँ पर नहीं कर पाया, वो जाति क्या हो जाएगी, एक समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो लुप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, या वहां से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं जो इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा अनुकूल होती हैं, यानी कि ज्यादा अडेप्टिव होती हैं, और जिस वजह से वो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और धीरे धीरे यही अडेप्टेशन का जो गुण होता है वो कहाँ चला जाता है, उनकी नेक्स्ट जेनरेशन में चला जाता है, और ये कैरेक्टर हो जाता है इनहेरिटेबल, और जो अदर आगे वाली पीढ़ियां होती हैं वो उसमें अपने आप को सर्वाइव करने में सक्षम पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगला जो बिंदु लेंगे इसमें, वो लेंगे यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट यानी कि योग्यतम की उत्तरजीविता। हम दोनों नाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ ऐसे व्यूअर भी हैं हमारे कुछ ऐसे साथी भी हैं जो इंग्लिश मीडियम के नहीं है और उनके लिए हिंदी वर्ड्स फेमिलियर हैं, तो इसलिए जो मेन टर्मिनोलॉजी है उसे दोनों में बोलने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात कर रहे हैं। डार्विन के अनुसार क्या था, डार्विन ने ये कहा कि जब लाइफ के लिए स्ट्रगल होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका रिजल्ट ये आता है कि जो ज्यादा सफल है, जीवन बिताने वाले सदस्य क्या होंगे, इसका मतलब वो योग्य होंगे। दो जनों में संघर्ष हुआ, दोनों में से एक ही विजेता होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हार जाएगा उस युद्ध को।
तब जो विजेता है वो विजेता या जो फिट है या जो उस इन्वायरमेंट के रहने के योग्य है तो उसकी संतानों में भी ये योग्यता आ जाएगी। ठीक है, यानी कि उसकी संतान भी ऑफ स्प्रिंग भी क्या होंगे, हेल्दी होंगे, जिनकी वजह से उनका जो वंश है वो आगे चलता जाता है और जो संघर्ष है वो धीरे धीरे करके उस स्ट्रगल के लिए ज्यादा एबल होते चले जाते हैं, ज्यादा सक्षम होते चले जाते हैं। और फिर वही बात आएगी, वही जीतेगा जो फिट होगा, इसीलिए ये क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता। एक्चुअली क्या है, हमने कल पढ़ा ही था कि योग्यतम की उत्तरजीविता का जो ये सबसे पहले विचार दिया गया था वो हर्बर्ट स्पेंसर उसके द्वारा दिया गया था, जो कि एक क्या थे, दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। हमने कल पढ़ा ही था कि जो योग्य है वही प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा पाएगा और वही वहां पर जीवित रह पाएगा और वही अपनी संतान में ऐसे लक्षण दे पाएगा, ऐसे कैरेक्टर्स दे पाएगा जो कि उसे उस एनवायरमेंट में रहने के एबल बनाती हैं, योग्य बनाती हैं। अब इससे क्या हुआ, डार्विन ने इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया, डार्विन ने ये कहा कि जब नेचुरल सिलेक्शन होता है तो डार्विन का एक्सप्लेनेशन किसके संदर्भ में आया, नेचुरल सिलेक्शन के संदर्भ में उसने देने की कोशिश की। उसने कहा कि जो फिट है यानी कि जो योग्य है वही योग्य ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स आएंगे और या स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे, उन स्पेसिफिक और स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से ही वो क्या कर पाते हैं, मेटिंग कर पाते हैं और मेटिंग कर पाने में वो सफल होते हैं। और इसको उन्होंने नाम दिया था सेक्सुअल सिलेक्शन, यानी कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में ये गुण आ जाता है कि वो फिट मेटिंग के लिए अपने पार्टनर को ढूंढ सके या मेटिंग के लिए फिट पार्टनर को ढूंढ सके, क्योंकि जब मेटिंग फिट से होगी तो ऑफ स्प्रिंग ऑलरेडी क्या होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे। तो अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, इस नेचुरल सिलेक्शन में एनवायरमेंट के अडेप्टिव एनिमल्स में अलग तरीके से रहने की, उनके साथ सामंजस्य बनाने की, ठीक है, ये सारी टेंडेंसी डेवलप हो जाती हैं। लेकिन फिर वही चीज, जो इसके साथ बदलाव के साथ मैचअप नहीं हो पाते हैं, यानी कि वही एनवायरमेंट जिनके लिए प्रतिकूल होता है, वो क्या कर पाते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से फिट को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया और जो फिट नहीं है या जो वहां पर उसके प्रतिकूल प्राणी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा या मर जाएगा। अगला बिंदु इससे संबंधित लेते हैं, अडेप्टेशन टू द एनवायरमेंटल चेंज। लगभग हम वो यहाँ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ इसको मैं एक एग्जाम्पल से डिस्कस करना चाहूंगी, मीजोजोइक एरा की। देखिए, मीजोजोइक एरा जो है वो हम जानते हैं वो किसका था, जाइंट रेप्टाइल्स का एरा था। इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, कई बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है एरा से रिलेटेड, तो यहाँ पर ये जो मीजोजोइक एरा था वो किससे रिलेटेड एरा था, जाइंट रेप्टाइल से रिलेटेड एरा था। बहुत बड़े बड़े जो सरीसृप थे जिन्हें विशालकाय करके कहा जाता है, उनसे रिलेटेड ये एरा था। अब इस एरा में इन्हीं की अधिकता थी। अब इसकी अधिकता का कारण क्या था, इसकी अधिकता का कारण ये था, पहली चीज, एक तो ये क्या थे, हर्बीवोरस थे, यानी कि शाकाहारी थे, ठीक है, और उस समय का जो वातावरण था, खूब घास थी, खूब वनस्पति थी। दूसरा क्या था कि ये पृथ्वी पर भी रह लेते थे, जल में भी रह लेते थे, वायु में भी रह लेते थे, क्योंकि कुछ स्विमिंग करते थे और यानी कि कुछ एक्वेटिक थे और कुछ टेरेस्ट्रियल थे, तो इस तरीके से तीनों तरीके के ये मिलते थे। अब क्या हुआ, जानते हैं वातावरण में परिवर्तन हुआ, पृथ्वी धीरे धीरे कूल डाउन हुई, ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर पृथ्वी के जो कुछ एरियाज थे वो डेवलप हो गए और पहाड़ वगैरह ये चीजें बननी शुरू हो गई। अब इन बदलती परिस्थितियों के साथ ये रेप्टाइल्स मैचअप नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए, जब पहाड़ बने तो उस वजह से जो घास थी या वनस्पति थी वो प्रभावित हुई और वनस्पति क्या होने लगी, धीरे धीरे करके कम होने लगी। जब वनस्पति यहाँ पर कम होने लगी तो इनको फूड की दिक्कत आनी शुरू हुई। अब इनमें से जिन्होंने अपने नेचर में चेंज कर लिया और जिन्होंने मांस खाना शुरू कर लिया वो तो जीवित रहे, यानी कि पर्यावरण वातावरण बदला और इन्होंने भी अपने आप को बदल दिया। इन्होंने सोचा कि अब हमें जीवित तो रहना ही है और जीवित रहने का इन्होंने दूसरा तरीका खोज लिया था कि इन्होंने मांस खाना शुरू कर दिया तो ये जीवित रहे। और जिसने बदलाव किया नेचर ने उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो शाकाहारी थे, जिन्होंने शाकाहार नहीं छोड़ा,
ठीक है, और मांसाहार खाना शुरू नहीं किया, तो जब वनस्पति कम होने लगी, प्लांट्स कम होने लगे, तो ये ऑलरेडी क्या हो गए, धीरे धीरे करके इनकी डेथ हो गई। तो जिन्होंने बदलाव को एक्सेप्ट किया वो जीवित रहे। अब ऐसे ही करके क्या हुआ, कुछ न्यू स्पीशीज से रिलेटेड जो यहाँ पर अगली जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज देखिए क्या है, हम इतनी जो अगे ऊपर के पांच पॉइंट पढ़े, हमने ये पढ़ा कि जो ग्रेजुअल चेंज होते हैं उन ग्रेजुअली चेंज की वजह से स्पीशीज क्या करती है, अपने आप को बदलती चले जाती हैं, और जो ये स्पीशीज यहाँ थी इस एनवायरमेंट के साथ ग्रेजुअल चेंज की वजह से और एक अडेप्टेशन की वजह से इन स्पीशीज में क्या होता है, कुछ परिवर्तन कुछ समय के बाद यहाँ पर दिखाई देते हैं, और ये बदलाव इतने ज्यादा हो जाते हैं कि ये वाली स्पीशीज अपनी जो पूर्वज स्पीशीज थी, एंसेस्टर्स थे, उनसे बिल्कुल डिफर हो जाती है और ये कही जाती है एक न्यू स्पीशीज। ठीक है, ये क्या बन जाती है, एक न्यू स्पीशीज बन जाती है। इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, इस चीज को बहुत सामान्य उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं चीता, बिल्ली, शेर, तेंदुआ, ये सारे नाम भी सुने हैं आपने और इनको देखा भी होगा विजुअली, अगर वैसे नहीं देखा भी होगा तो आपने टीवी वगैरह में जरूर देखा होगा, तो बिल्ली तो एटलीस्ट देखी ही होगी। तो यहां पर क्या है, ये हम पढ़ते हैं कि ये सभी क्या है, एक ही फैमिली के, ठीक है, सब में क्या होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं, सबके जो क्लॉज हैं बहुत नुकीले होते हैं, और सारे के सारे क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, यानी कि मांस पर अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात आती है कि जो इसको ले तो कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर्स एक से रहे होंगे, लेकिन इन्होंने अपने पूर्वजों से अपने आप को क्यों बदला, क्योंकि अलग अलग वातावरण में ये रह रहे थे। अब आपको तेंदुआ दिखाया जाएगा तो आप उसे तेंदुआ ही कहेंगे, बिल्ली तो कहेंगे नहीं, क्योंकि उसका जो रंग रूप है उसमें परिवर्तन हो गया, और ये परिवर्तन कैसे हुआ, बदलते वातावरण के साथ इसने अपने आप को बदलाव करना शुरू कर दिया। अब हम कहें सडनली वही परिवर्तन हो गया, तो सडनली परिवर्तन नहीं हुआ, ये परिवर्तन की प्रक्रिया होती है हजारों हजार वर्ष की, तो ये बहुत समय लगता है, और बाद में क्या होता है, ये मेन तो वही रहते हैं लेकिन इन्हें अलग अलग जातियों में बांट दिया जाता है। जैसे चीता एक अलग स्पीशीज में पढ़ा जाता है, अब बिल्ली को हम अलग स्पीशीज में पढ़ते हैं, जो इसका साइंटिफिक नेम है वो फेलिस डोमेस्टिकस है। अब जैसे यहाँ तेंदुए की बात करें या इसकी बात करें, शेर की बात करें, तो इसका नाम होता है पैंथेरा लियो और इसका होता है पैंथेरा पैरडस। तो ये भी पैंथेरा है, जीनस सेम है, ये स्पीशीज क्या है, लियो, और ये भी पैंथेरा, जीनस सेम है, लेकिन यहां पर इसकी स्पीशीज क्या है, पैरडस। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर कॉमन रहे थे, इनके पूर्वज समान रहे थे, वो तो बाद में धीरे धीरे इनमें चेंज होता चला गया, और रीजन क्या था, वातावरण का। जिन्होंने बदलाव कर लिया वो फिर वही बात आई, जीवित रहे, और जिन्होंने बदलाव नहीं किया वो क्या हो गए, मर गए या मृत हो गए। तो ये थी जो डार्विनिज्म का एक्सप्लेनेशन था, कि डार्विन ने जो भी स्टडी किया उसको उन्होंने अलग अलग उदाहरणों से समझाने की कोशिश की, चाहे वो फंजाई का एग्जांपल हो, मीन टू से प्लांट एग्जांपल से ले ले, चाहे उन्होंने कोई स्पीशीज अदर एनिमल स्पीशीज एग्जांपल से ले ले, उन्होंने हाथी का भी उदाहरण लिया, उन्होंने यहाँ शेर, चीते, बिल्ली का भी उदाहरण लिया है, तो अलग अलग तरीके से, जैसे एस्केरिस के उदाहरण से भी उन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये था एक्सप्लेनेशन, और ये एक्सप्लेनेशन जो मेनली डिवाइड उन्होंने किया, इन्हीं छह पॉइंट्स पर डिवाइड किया, इनॉर्मस रेट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में संतान उत्पन्न करने की जो प्रचुर क्षमता है, उसको संतान उत्पन्न कर गई। अब आप इसको सीक्वेंस से देखेंगे तो याद रहेगा, जीव संतान उत्पन्न करते ही हैं, जब जीव संतान उत्पन्न करते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं, आपस में भाई बहन भी होते हैं तो उनमें भी झगड़ा होता है। अब धीरे धीरे ये झगड़ा क्या हो जाता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है, एक शांत स्वभाव का हो सकता है और एक उग्र हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा वॉयलेंट बिहेवियर का भी हो सकता है। अब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टर्म्स उसी के या सोसाइटी में एक्सेप्टेंसी उसी की होगी जो इन दोनों में योग्य होगा, सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट किया। अब सोसाइटी एक्सेप्ट क्यों कर रही है, क्योंकि उसने सोसाइटी के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया, जैसे यहां जीवों ने वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया।
जब सोसाइटी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चेंज किया तो जो हमारा चाइल्डहुड बिहेवियर होता है और जो हमारा आज बिहेवियर होता है नेचुरली उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो कई बार अगर कुछ हमें वर्षों वर्ष बाद कोई देखता है तो कहता है अरे तुम्हारा व्यवहार तो बड़ा ऐसा हो गया है या तुम्हारे जो लुक्स हैं वो बड़े चेंज हो गए हैं। तो ये क्या होता है इस तरीके से एक यहाँ तो हम जातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे एक नई स्पीशीज यहाँ पर बन जाती है। तो आप अगर चाहें तो इसे इस सीक्वेंस से भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज ये 6 क्रम है जिसके आधार पर आपको डार्विनिज्म का एक्सप्लेनेशन दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा क्या पढ़ना है, नेक्स्ट सेशन में हमने पढ़ना है जैसा हमने कहा कि डार्विन को क्रिटिसाइज भी किया गया तो हम पढ़ेंगे किस तरीके से डार्विन को क्रिटिसाइज किया गया। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि लैमार्क और डार्विन की जो तुलना हुई थी मीन्स कंपैरिजन ऑफ लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। तो दो बिंदुओं को नेक्स्ट सेशन में लेंगे, फिलहाल आज इतना ही। नेक्स्ट में आपसे जल्दी मिलेंगे। लगातार इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें, वीडियोज को शेयर करते रहें। लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।